हमारी पृथ्वी पर एक एलियन अर्माडा आया है, उसने हमारे ग्रह पर हमला कर दिया है। हमारे ऊपर एक के बाद एक खतरनाक हमले किए गए हैं। इस नए खतरे से निपटने के लिए पावर रेंजर्स को लेजेंडरी रेंजर्स की क्षमताओं को अपनाकर अब बनना होगा सुपर मेगा फोर्स। 10 हमें एक्स्ट्रा डिमेंशनल इमरजेंसी अलर्ट मिली है, जल्दी से रेंजर्स को खबर करो। अभी करता हूँ कोशिश। क्या बात है गोसे? कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं। रेंजर्स, हमें कॉरिंथ से अभी अभी इमरजेंसी सिग्नल मिला। कॉरिंथ? वो कहाँ है? हाँ, कॉरिंथ, वो आरपीएम रेंजर्स का घर हुआ करता था, पर वो तो दूसरी दुनिया में है। बिल्कुल सही, आसमान में वार्म होल अभी अभी खुला है। समझ में नहीं आता वहाँ से इमरजेंसी सिग्नल क्यों आ रहा है, क्योंकि काफी सालों से कॉरिंथ बिल्कुल शांत था। फिक्र मत कीजिए गोसे, हम इस बात की जांच करेंगे। हम उस वार्म होल के जरिए अंदर जाएंगे और तुरंत वापस आ जाएंगे। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं गोसे? अगर तुम सब वहाँ चले गए तो यहाँ की रक्षा कौन करेगा? हमें जाना ही होगा गोसे, जहाँ जरूरत हो वहाँ रेंजर्स को जाना ही होगा। हाँ, और अगर कोई गड़बड़ लगी तो तुम हमें बुला लेना, हम वापस आ जाएंगे। ठीक है, वार्म होल से स्काईशिप का इस्तेमाल करके जाओ और जांच करो, और अपना ख्याल रखना। एक दूसरी दुनिया, क्या बात है। सेवन स्काईशिप, मैं वापस आ गया। प्लान का एक हिस्सा पूरा हुआ, मेरे आने की किसी को खबर तक नहीं हुई, पर सबसे जरूरी चीज अभी बाकी है। एक मिनट रुको, वो नासमझ रेंजर्स मेरे जाल में फंस गए हैं। मुझे पता था वो ऐसा ही करेंगे। कॉरिंथ में मजे करना रेंजर्स, क्योंकि तुम कभी वापस नहीं आओगे। तो पहुंच गया, पर समझ नहीं आ रहा शहर के अंदर कैसे जाऊं। एक मिनट, मिल गया रास्ता। बहुत अच्छे, तुम छुप जाओ बेवकूफों, हम उस पर हमला करेंगे। कैसे हो? इसमें बैठ जाओ, मुझे शहर में ले चलो, तो फिर आगे बढ़ते रहो। शानदार, मैंने कई शानदार चीजें देखी हैं, लेकिन ऐसी नहीं देखी। ये सच में बहुत खूबसूरत है। मैं तो कहूँगा कि मुझे लगता है कि हम एक कपड़े में हुए छेद के जरिए टाइम और स्पेस में सफर कर रहे हैं। हाँ, सही कहा, पर मेरा मतलब एक पावर रेंजर बनने से था। जरा उन जिंदगियों के बारे में सोचो जिन्हें हमने बदला है। हमने हमेशा दुनिया को बचाया है। ओह, ओरायन, आई एम सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। काश मैं तुम लोगों से पहले मिला होता तो शायद मेरा प्लैनेट बच सकता था। लेकिन शुक्रिया दोस्तों, मुझे तुम्हारी वजह से नया घर मिला है, बहुत अच्छा घर। इससे पहले कि अर्माडा किसी और प्लैनेट को नुकसान पहुंचाए, मुझे इसे रोकने का मौका तो मिला। तुमने सही कहा। हाँ दोस्तों, हम वर्म होल के एंड तक पहुंच गए हैं। वो इमरजेंसी सिग्नल किसने भेजा, इस पर नजर रखना। वाओ वाओ,
इस जगह को तो एक बार देखो। हाँ वो लगता है जैसे रेंजर्स के इतिहास में कदम रखा है। जरा वो देखो, क्या वो कार जोड है? उस गाड़ी में आरपीएम का लोगो लगा हुआ है। क्या? सॉरी, ये देखो, ये है टर्बो फाल्कन, एक कार प्रोटोटाइप जिसे बंद किया गया था क्योंकि वो कंट्रोल से बाहर हो गई थी। ये फिर से कैसे बाहर आ गई? या फिर किसी ने ऐसे छोड़ दिया होगा। रेंजर्स पूरे कॉरिस रिजॉर्ट का पीछा करते रहेंगे और मैं उनकी दुनिया पर कब्जा करूंगा। क्या, इन्हें पहले कभी नहीं देखा? ये कर क्या रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है प्रिंस, ये प्लैनेट पर अपना कब्जा जमाने आए हैं। क्या? लेकिन ये कहां से आया है? लेकिन अर्थ पर कब्जा करना मेरा सपना है। और वो ना समझ रेंजर्स आखिर कर क्या रहे हैं? उनका नामो निशान नजर नहीं आ रहा है सर। कुछ तो गड़बड़ हो रही है। मुझे गड़बड़ पसंद नहीं है। नया है वो। शायद इसने रेंजर्स को खत्म कर दिया होगा। क्या क्या बकवास है, इसने मेरा घंटों का प्लान मिनटों में बर्बाद कर दिया। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। बॉस, जाने अनजाने इसका फायदा हमें भी होगा। सही कहा। मैं यहाँ हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता, हमें कुछ करना होगा। आगस, डेमरस, डेमिरा, चलो उसे खत्म करते हैं। शायद इस जोर में बचने के लिए वो इमरजेंसी अलार्म सेट किया होगा। इसे वहीं भेजना होगा जहाँ से ये आया है। हमें एक प्लान बनाना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। हे, टर्बो फाल्कन, वहीं रुक जाओ, तुम्हारी स्पीड जरूरत से ज्यादा तेज है। तो ये थी तुम्हारी बिग आइडिया? लव, मैं कोशिश करता हूँ। डरने की जरूरत नहीं, हम दोस्त हैं। तुम्हें जरा प्यार से बात करनी चाहिए। सुनो, कोई बात नहीं, रुक जाओ। मैं कोशिश करती हूँ। हे कार, वहीं रुक जाओ। ये कॉल कर रहा है। ये तो बदतमीज है। तुम्हें हिंदी समझ में नहीं आती क्या? ट्रॉय, उस जॉर्ड को पकड़ो। ठीक है, हमें और तेज चलना होगा। ट्रॉय, उस जॉर्ड जरूरत से ज्यादा तेज भाग रहा है। ये जॉर्ड तो पागल हो गया है, इसकी वजह से हमारे शिप के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। दोस्तों, अपने हेलमेट पहनो और अपने जॉर्ड में जाओ। हमें जल्द से जल्द इस मुसीबत का हल निकालना होगा। उसे पकड़ने के लिए जॉर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तैयार? हाँ बिल्कुल। हाँ तो चलो। मैं इसे बिना चोट पहुंचाए रोकने की कोशिश करूंगा। ओह नो, वो उस बैरिकेड की तरफ जा रहा है। उसने अपनी रफ्तार बिल्कुल भी धीमी नहीं की। नहीं, मेरा प्लान। ये क्या हो रहा है? एलियन? आर्माडा तुम्हें रुकने का हुक्म देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये प्लैनेट चुराने की? ये अर्थ मेरी है, मेरी। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। प्रिंस से ज़बान संभाल कर बात करो। हाँ, मैं हूँ प्रिंस बेकार, आर्माडा का सुप्रीम कमांडर। अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, मुझे महाराज करके बुलाना शुरू कर दो। मुझे यकीन नहीं हो रहा, उन रेंजर्स से छुटकारा तो मिल गया लेकिन फिर भी कोई मेरे रास्ते में अपनी टांग अड़ा रहा है। यकीन करना होगा, हम तुम्हें खत्म कर देंगे, भूतिया शक्ल वाले घुसपैठिए। अपने बने बनाए प्लान पर तुम्हें पानी फेरने नहीं दूंगा। जाओ, हमला करो। आगस, लेमीरा, पकड़ो उसे। अर्माडा के साथ कौन लड़ रहा है? एक मिनट, वो है प्रोफेसर कॉग। कॉरिंथ से, जहाँ अभी रेंजर्स गए हैं। हाँ, रेंजर्स को फौरन वापस बुलाओ। मुझे डर है कहीं प्रोफेसर कॉग की ये चाल तो नहीं। बढ़िया, हमने इसे पकड़ लिया, अब इस जॉर्ड का खेल खत्म करते हैं। हाँ। जिया, एमा, तुम ठीक तो हो? हम ठीक हैं, जाओ उसे पकड़ो। ठीक है नोआ, मैं इसे तुम्हारी तरफ भेज रहा हूँ। ठीक है, अब हम इसे पकड़ सकते हैं। हाँ, ये उड़ सकता है? उसे मेरी तरफ भेजो नोआ।
बहुत अच्छे, अब यह मुझसे नहीं बचेगा। इस चीज को हम नीचे रहकर नहीं मार सकते। अब मैं समझा इसे बंद क्यों किया गया। ये बिल्कुल जंगली जानवर की तरह है। रुको दोस्तों, जैसा कहूँ वैसा करो। इसे पकड़ने की जरूरत नहीं है, इसे हमें बस में करना है। और सबसे पहले फाल्कन, तुम गए काम से। जॉर्ज कंबाइन। ठीक है, क्या इस जंगली घोड़े पर हमें लगाम कसना है। पकड़ लिया। इसे कसकर पकड़ना दोस्तों, हम ये कर सकते हैं। इसका बंद रहा है, इसकी रफ्तार धीमी हो रही है। रुक जाओ, रुक जाओ छोटे उस्ताद। यस, लगता है जॉर्ड का नाम काफी सोच समझ कर रखा गया है ना दोस्त। कोई फायदा नहीं, मैं रेंजर्स तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ। वर्म होल चेक करो। नहीं, वो आया मैं। जैसा मैंने सोचा था, ये एक साजिश थी। अगर रेंजर्स वक्त पर वापस नहीं आए तो ये एलियंस धरती पर कब्जा कर लेंगे। वाह, ये तो काफी ताकतवर है। तो अब तक इन्होंने धरती पर अपना कब्जा क्यों नहीं जमाया? क्या ये नासमझ है या फिर काबिल नहीं? हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? रुक जाओ। बहुत अच्छे जॉर्ड, आज हमने बहुत अच्छा काम किया। मिशन पूरा हुआ। रेंजर्स, थैंक गुडनेस। हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं गुस्से। क्या बात है? वो एक साजिश थी, तुम फंस चुके हो और प्रोफेसर कॉग अर्थ पर कब्जा करने के लिए अर्माडा से लड़ रहा है। क्या हम यहाँ फंस गए हैं? हम तुम्हें वापस लाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये इतना आसान। अरे, हमारा कम्युनिकेशन कट गया। अगर हम यहाँ फंसे रहेंगे तो अर्थ की रक्षा कौन करेगा? रेंजर्स, रेंजर्स, अब हम क्या करेंगे गुस्से? अपनी कोशिश जारी रखेंगे। हम यहाँ कोरिंथ में फंस गए, अब हम क्या करेंगे? मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा। ये क्या कर रहा है? बहुत अच्छे, वो जॉर्ड फिर से कंट्रोल से बाहर हो रहा है। नहीं, वो देखो, ये हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। शायद ये हमारी मदद करना चाहता है। लगता है इसे फिर से दौरा पड़ा है। मेरा यकीन करो। या तुम सही कह रही थी। अरे वाह, इसे तो वर्महोल वापस खोल दिया। तुमने गाड़ियों से बात करना कब सीखा? बहुत अच्छे। थैंक्स टर्बो फाल्कन। चलो दोस्तों, घर चलते हैं। ठीक है। गुड बाय टर्बो फाल्कन, कॉलेज का ख्याल रखना। अरे नहीं, रेंजर्स नहीं। ये कैसे? मेरे प्लान का क्या होगा? अब तुम्हें पता चलेगा हम कैसा महसूस करते हैं। रेंजर्स वापस आ गए, रेंजर्स वापस आ गए। चलो शुक्र है। कोशिश अच्छी थी प्रोफेसर कॉग। तुम चाहे हमें किसी भी दुनिया में भेज दो, हमें रोकना इतना आसान नहीं है। लेकिन तुम वहाँ से यहाँ आए कैसे? अरे जलेबी जैसी शक्ल वाले, जानते हो इनसे लड़ने के लिए कितनी मेहनत लगती है? अब जल्दी से इन्हें खत्म करो। मैं तुम्हारा प्लान चौपट कर सकता हूँ और बोनस के तौर पर हम तुम्हें खत्म कर देंगे। चलो हो जाए। इनके टुकड़े टुकड़े कर दो आधी खोपड़ी वालों। अगर हम एक साथ काम करेंगे तो हमारी डबल ताकत से हम रेंजर्स को हरा सकते हैं। शायद ये सही कह रहा है, लेकिन हम अपनी जान खतरे में क्यों डालें? इन दोनों को एक दूसरे से लड़ने दो, फिर हम धरती पर अकेले राज कर सकते हैं। तुमने सही कहा, बहुत अच्छे। आगस, लेविरा के पास प्लान है जो मैंने बनाया है। ठीक है बॉस। एक्सबॉक्स को यहाँ लड़ने के लिए छोड़ो। देख कर खड़े हो भगोड़े कहेंगे। पहले मैं रेंजर्स से निपट लूं, फिर तुम्हारी बारी। फिर से सोच लो, अगली बारी तुम्हारी है और तुम अब नहीं बचोगे। तुम्हारे उस चौपट हुए प्लान की वजह से तुम्हें रोकने का इरादा और भी पक्का हो गया है।
ठीक है प्रोफेसर कॉग, तुम इन लल्लू के पीछे और नहीं छुप सकते। मैं तुम्हारे साथ लौटने से डरता नहीं हूँ। ये लो, इससे तुम जरूर डरोगे। लेजेंडरी रेंजर मोड आरपीएन रेडी। आरपीएन रेड, आरपीएन येलो, आरपीएन ब्लू, आरपीएन ग्रीन, आरपीएन ब्लैक, आरपीएन गोल्ड और सिल्वर। आरपीएम रेंजर्स जल्दी से मुझे प्रोटेक्ट करो। जाओ उन्हें रोको। तुम भी जाओ बेवकूफ, कहीं के उन्हें खत्म कर दो। कॉरिन ने हमसे छुटकारा पाने की कोशिश की और अब कॉरिन की पावर तुमसे छुटकारा दिलाएगा। ये पावर पॉइंट्स तो कमाल के हैं। सच में मेरी रफ्तार काफी बढ़ गई है। ये लोग अब बच नहीं सकते। मुझे तो लगता है मुझे दुगनी रफ्तार मिली है। अरे मेरी मदद करो दोस्तों। इस कूड़े को कूड़ेदान में फेंकना होगा। तुमने मेरा प्लान मिट्टी में मिला दिया। अब तुम्हारी खैर नहीं। अब तुम भी हमसे नहीं बचोगे प्रोफेसर कॉग। अच्छा तुम मुझे जानते नहीं। अगर तुम बैट हो तो मैं तुम्हारा डैड हूँ। रॉकेट स्पाइरल। काम खत्म। इतनी जल्दी नहीं। टर्बो कैनन। रॉकेट ब्लास्टर। क्लाउड हैचेट्स। स्ट्रीट सेबर। टर्बो एक्स। नहीं। स्ट्रीट सेबर अटैक। टर्बो एक्स। दोस्तों हमें फिर से सुपर मेगा में मॉर्फ होना पड़ेगा। वक्त आ गया है इसे रास्ते से हटाने का। सुपर मेगा कैनन। तुमने मेरा काफी नुकसान किया है रेंजर्स। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मेरे पास अभी भी इतनी पावर है कि मैं इस लड़ाई को हाई गियर में बदल सकता हूँ। इसने अपने आप को अपग्रेड कर लिया। चलो इस टेढ़ी दुम को सीधी करें। समन स्काईशिप। समन क्यूर एक्सॉर्ड। लेजेंडरी मेगाजॉर्ड रेडी। क्यूर एक्स मेगाजॉर्ड रेडी। आखिरी सांसें गिनने का वक्त आ गया है रेंजर्स। तो हो जाए जैसी तुम्हारी मर्जी। हियर गैटलिंग। Rocket spirals. ये इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। हमें अपनी पावर बढ़ानी होगी। पर कैसे? आरपीएम की चमक रही है। रेंजर्स मुझे टर्बो फाल्कन से ट्रांसमिशन मिल रहा है। जॉर्ड चाहता है कि इस लड़ाई के लिए तुम उसकी पावर का इस्तेमाल करो, लेकिन वॉर्म होल बंद हो गया है। जल्दी करो आरपीएम की से वॉर्म होल को खोलो। हम समझ गए कोसे। रेडी लेट्स गो लेजेंडरी। एक्टिवेटिंग टर्बो फाल्कन। ये सारी पावर अब हमारी है। चलो इसे शुरू करें। एंजल एक्टिवेट।
इसने तो सड़क और उस मॉन्स्टर को तबाह कर दिया। जल्दी करो, जब तक प्रोफेसर बेहोश है हम टर्बो फाल्कन के साथ जुट जाते हैं। टर्बो फाल्कन कंबाइन लेजेंडरी आर्मी एपिसोड रेडी। कसकर पकड़ लिया। हमें ऊपर ले चलो। नीचे आओ और मेरे साथ लड़ो। जैसी तुम्हारी मर्जी। RPM फाइनल स्ट्राइक। लेजेंडरी RPM ग्रैंड प्री। मैंने कहा मेरे साथ लड़ो, मैंने जीतने के लिए नहीं कहा था। सुपर मेगा रेंजर्स और टर्बो फाल्कन, ये है एक मेगा विन। लो पता चल गया, ये वही जगह है जहां वॉर्म होल दिखा। थैंक्स टर्बो फाल्कन, जानकर खुशी हुई कि जब भी हमें पावर की जरूरत होगी तुम मदद करोगे। ठीक है, अगली बार जरूर मिलेंगे, तब तक कॉरिंथ में मजे करना। अरे यार मैं अभी भी नहीं समझा, तुम जॉर्ड की बातें कैसे समझ गए? ये तो मेरे कई टैलेंट्स में से एक है। दोस्तों, वो कार चली गई है तो अब हम घर कैसे पहुंचेंगे? वो देखो, एक ट्रैक्टर आ रहा है। मेरे ख्याल से हमें चल कर जाना होगा। ये मेरे नए जूते थे यार। ये तो सिर्फ कीचड़ है। अब जेक का निकनेम ब्राउन रेंजर होना चाहिए। कीचड़ वाले बाबा, गोबर वाला जेक। अच्छा बसा खा, तुम दोस्त हो दुश्मन।